प्यारे बच्चों, जय नारायण। आज हम पढ़ेंगे अपनी रिमझिम पुस्तक का पाठ 6, बहुत हुआ। ये वर्षा के बारे में है। जब बहुत अधिक बारिश हो जाती है और चारों तरफ पानी भर जाता है तो हम सब जो है दुखी होने लगते हैं कि अब हम बाहर कैसे जाएं, कैसे हम खेलें, कहाँ जाएं। तो ये कविता इसी के बारे में है। आइए पहले हम कविता पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन करें। हमारी कविता का शीर्षक है बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ, तुम भी भैया करो दुआ। अब इसमें कवि जो है वो कह रहा है, जब बहुत अधिक बारिश होती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं और वे कहते हैं बादलों से कि बादल भैया अब बहुत हुआ, अब तुम वर्षा करना बंद करो, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, पानी ही पानी भर गया है, जिसके कारण हम सभी की जो है छतों में से पानी गिरने लग पड़ा है, छतें चूने लग पड़ी हैं और हमको अपनी नानी की याद आ रही है कि अब हम क्या करें। जैसे सब परेशान होने पर नानी को याद करते हैं, ऐसे ही सबको अपनी नानी याद आ गई है। अब बच्चे कहते हैं कि हम कहाँ पर जाएं और कहाँ पर खेलें, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं भी कोई जगह नहीं है खेलने की, घर में कितना खेलें, कितना लूडो खेलें, कितना कैरम बोर्ड खेलें, अब हमें बाहर जाकर भी खेलना है, इसलिए हम घर में बैठे बैठे अब बोर हो गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि पिंजरे में बंद तोता जो है वो सोचता है कि काश मैं आकाश में उड़ पाता, वैसे ही हम एक पिंजरे में फंसे तोते की तरह हो गए हैं और हम भी चाहते हैं कि हम बाहर जाकर खेलें। फिर वो कहते हैं कि सूरज से वो प्रार्थना करते हैं कि सूरज देवता कि अब तुम खेल जाओ, तुम अपना प्रकाश फैलाओ, धूप निकालो, ताकि नदी और तालाबों का जल जो सड़कों पर आ गया है वो अब अपना नदी और तालाब में वापस हो जाए। सब कहते हैं हम यही चाह रहे हैं कि नदी और तालाबों का जल जो है वो वापस चला जाए और हम सब फिर से बाहर जाकर खेलने लगें। तो ये था बच्चों हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 6, बहुत हुआ।